कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में तीन कारण आए, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए? 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैन्युपुलेशन होता है, तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%, पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का, 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में तीन कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये तीन सवाल उठे और तीनों सवाल, व्यक्तिगत कारण को हटाइए, मेरे दो सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है, हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है।